हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ OnePlus Nord C4 5G स्मार्टफोन के बारे में। उसके पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो जब मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएगा, वीडियो को लाइक के बिना मत जाएगा और जितना सके वीडियो को शेयर कीजिए, तभी मुझे सपोर्ट मिलेगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे OnePlus Nord C4 5G स्मार्टफोन के बारे में। तो उसका स्पेसिफिकेशंस थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें आपको नेटवर्क 2G से 5G तक आपको मिल जाएगा। ये अनाउंस और रिलीज हो चुका है 1 अप्रैल 2024 को और ये सेल में जा चुका है 7 अप्रैल 2024 को, ठीक है। इसका बॉडी का जो डायमेंशन है वो देख लेते हैं, जो है 162.5 × 75.3 × 8.4 mm और ये इंच में दिया हुआ है। इसका जो वेट है वो है 186 ग्राम और ये आंच में दिया हुआ है। इसमें आप सिम डाल सकते हैं हाइब्रिड डुअल सिम, जो नैनो सिम है वही डाल सकते हैं आप, ठीक है। और डुअल स्टैंडबाय के साथ में आता है ये, IP54 डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट के साथ में आता है, ठीक है। इसमें जो डिस्प्ले टाइप आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको फ्लूइड एमोलेड 1B कलर्स के साथ में। 120Hz डिस्प्ले है, HDR10+ सर्टिफाइड है और इसका जो नॉर्मल ब्राइटनेस है वो है 900 nits, जो HBM ब्राइटनेस बोला जाता है, और इसका जो पीक ब्राइटनेस है वो है 1100 nits, ठीक है। डिस्प्ले का जो साइज है वो है 6.72 इंचेस और ये 88.3% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ में आता है, ठीक है। इसका जो डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है वो है 1080 × 2412 pixels, ये 20:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ में आता है। और इसका जो पिक्सल पर इंच डेंसिटी है डिस्प्ले का वो है 394। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस PDF को गूगल ड्राइव लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ में जाके आप इस PDF को डाउनलोड करके फिर से देख सकते हैं। और एक चीज़, मैं OnePlus Nord C4 5G का ऑफिशियल वेबसाइट और Amazon और Flipkart का लिंक जहाँ से आप खरीद सकते हैं उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ में जाके आप और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस ऑफिशियल वेबसाइट में जाके और Amazon और Flipkart का लिंक में जाके आप खरीद भी सकते हैं इस फोन को, अगर आप का मन चाहे तो, ठीक है। ये एक प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, ठीक है, तो आप इसे खरीद भी सकते हैं। तो अभी मेन टॉपिक पर आते हैं। इसमें प्लेटफॉर्म OS आपको मिल जाएगा एंड्रॉइड 14, कलर OS 14 के साथ में आपको मिल जाएगा ये फोन। चिपसेट यानी प्रोसेसर आपको यहाँ में मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर, जो 4 नैनोमीटर्स में बेस्ड है। इसमें आपको CPU मिल जाएगा ऑक्टाकोर और जो GPU मिलेगा आपको मिलेगा एड्रीनो 720। इसमें आपको माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिल जाएगा, जो स्ट्रेच स्लिम स्लॉट यूज करता है, क्योंकि ये एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है, डेडिकेटेड आपको नहीं मिलेगा। यहाँ इंटरनल स्टोरेज आपको एक्चुअली इसमें आपको दो वेरियंट मिल जाएगा, जो है 8GB RAM 120GB स्टोरेज और 8GB RAM 256GB स्टोरेज। और जो स्टोरेज का वर्जन आपको यहाँ में मिलेगा वो मिलेगा आपको UFS 3.1, ठीक है। अभी कैमरा के बारे में देखिए, यहाँ आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप मिल जाएगा, जो जहाँ में आपको प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा 50 MP f/1.8 के साथ में आता है, ये वाइड एंगल का काम कर देता है। इसमें आपको ऑटो फोकस मिल जाएगा और OIS के साथ में आपको मिल जाएगा। जो सेकेंड कैमरा है वो 8 MP का f/2.2 के साथ में आता है और ये 112° अल्ट्रा वाइड एंगल का काम कर देता है। फीचर्स आपको यहाँ में मिल जाएगा डुअल LED फ्लैश, HDR और पैनोरामा। आप रियर कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 4K 30fps में, 1080p 60 और 120fps में, 0 OS के साथ में आता है और OS तो है ही इस कैमरा में। उसके बाद सेल्फी कैमरा आपको यहाँ में सिंगल कैमरा मिल जाएगा, जो है 16 MP का f/2.4 के साथ में आता है, ये भी वाइड एंगल का काम कर देता है। हमें फीचर्स आपको मिल जाएगा पैनोरामा और आप सेल्फी कैमरा से आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 1080p 30fps में। लाउड स्पीकर आपको यहाँ मिल जाएगा स्टेरियो स्पीकर्स के साथ में, 3.5 mm का आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ आपको हाई रेज ऑडियो भी मिल जाएगा, ठीक है, वायरलेस ऑडियो भी है इसमें। अभी कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो पहला है WLAN के बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें आपको वाईफाई का वर्जन 802.11 वाईफाई 6 के साथ में आपको डुअल बैंड वाईफाई के साथ में मिल जाएगा। ब्लूटूथ का वर्जन आपको 5.4 मिल जाएगा। पोजीशनिंग आपको GPS मिल जाएगा। NFC आपको नहीं मिलेगा और इंफ्रारेड पोर्ट आपको यहाँ में मिल जाएगा। उसके बाद रेडियो आपको नहीं मिलेगा और USB का वर्जन जो मिलेगा आपको इस फोन में वो मिलेगा USB Type-C 2.0। अभी फीचर्स देखिए आपको क्या क्या मिलेगा। हमें सेंसर्स आपको मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट, अंडर डिस्प्ले, ऑप्टिकल सेंसर, एक्सेलेरोमीटर सेंसर, जायरो सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और कंपास सेंसर, ठीक है। इसमें आपको बैटरी टाइप आपको मिल जाएगा, बैटरी आपको मिल जाएगा 5500 mAh बैटरी, ठीक है, जो नॉन रिमूवेबल बैटरी है, ठीक है। तो ये बैटरी बहुत अच्छा है। चार्जिंग आपको हमें 100 वाट चार्जर आपको मिल जाएगा, जो 100% 29 मिनट में कर देता है, ठीक है।
इसमें आपको कलर्स दो मिल जाएगा, सिलाटियन मार्बल और डार्क क्रोम, ठीक है। और सार का वैल्यू हेड और बॉडी का दिया है जो बहुत अच्छा है। अभी फाइनली मैं प्राइस बताने जा रहा हूँ, वन प्लस नोट सी 4 5G का प्राइस कितना है इंडिया में। जो बेस वेरियंट है 8 GB रैम 120 GB स्टोरेज, इसका प्राइस है 24,999 रुपीज़। और जो टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज, इसका प्राइस है 26,999 रुपीज़। फाइनली मैं कुछ इमेजेस कलेक्ट करके आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ कि वन प्लस नॉट सी ई 4 5G देखने में कैसे लगता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएगा। और नीचे कमेंट करके बताइए आपकी आपको वीडियो कैसा लगा, और ये भी बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।